महाराष्ट्र सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के परिणाम घोषित। बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रिजल्ट जल्द ही। एसएससी सीजीएल एमटीएस रिजल्ट जल्द। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के परिणाम की। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी MSBSHSE द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी SSC और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी HSC कक्षाओं के लिए आयोजित सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा कर दी गई है। जो उम्मीदवार महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 10 या कक्षा 12 की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे, उन्हें अपना परिणाम देखने के लिए रिजल्ट पोर्टल mahresult.nic.in पर विजिट करना होगा। बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी MSBSHSE ने SSC कक्षाओं के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का आयोजन 18 जुलाई से 1 अगस्त तक किया था। वहीं HSC के सप्लीमेंट्री एग्जाम 18 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जनरल नॉलेज की परीक्षाएं 9 व 10 अगस्त को आयोजित की गई थी। स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि वह अपने मार्क्स के वेरिफिकेशन के लिए 29 अगस्त से 7 सितंबर तक अप्लाई कर सकेंगे। स्टूडेंट्स अपने एप्लीकेशन आधिकारिक वेबसाइट verification.mh-ssc.ac.in और verification.mh-hsc.ac.in पर सबमिट कर सकेंगे। अब बात करते हैं बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रिजल्ट की। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से ड्रग इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 7 से 10 जुलाई 2023 तक करवाया गया था। उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट जारी होने का इंतजार है, जो इस महीने के अंत में 31 अगस्त को घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर घोषित किया जाएगा, जहाँ से आप अपने रिजल्ट की जाँच कर सकते हैं। SSC CGL MTS रिजल्ट जल्द। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी MTS भर्ती परीक्षा 2023 रिजल्ट जारी होने का इंतजार लाखों उम्मीदवार बेसब्री से कर रहे हैं, जो जल्द ही समाप्त हो सकता है। रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किया जाएगा। जो अभ्यर्थी टीयर 1 एग्जाम में निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे, वे अगले चरण के परीक्षा के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। रिजल्ट के साथ ही उम्मीदवारों के लिए फाइनल आंसर की भी जारी की जा सकती है। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे किसी भी प्रकार से फाइनल उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। SSC की ओर से CGL टीयर 1 एग्जाम का आयोजन 14 से 27 जुलाई तक किया गया था। वहीं MTS एग्जाम का आयोजन दो फेज यानी 2 मई से 19 मई एवं 13 जून से 20 जून 2023 तक किया गया था। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL के भर्ती माध्यम से 7,500 रिक्त पदों और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS भर्ती के माध्यम से 12,523 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। दोस्तों, यह तो थी आज के न्यूज बुलेटिन की प्रमुख खबरें और विस्तार। मैं हूँ कुमार विजेंद्र। आप शिक्षा जगत की हर हलचल से अपडेट रहने के लिए अपने विद्या लाइफ को तुरंत लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें विद्या लाइफ की ऑफिशियल ईमेल आईडी info@vidyalife.com पर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।